आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी। जीत के लिए चाहिए 118 विधायकों का समर्थन। बीआईए डीएमके के विधायक गोल्डन बे रिसोर्ट से रवाना हुए, थोड़ी ही देर में विशेष सत्र में फ्लो टेस्ट होगा। ओ पन्नीरसेल्वम ने एआईए डीएमके के विधायकों को सरकार के खिलाफ वोट देने की अपील की। डीएमके भी विश्वास मत के खिलाफ वोट करेगी। चुनाव आयोग ने जेल में बंद एआईए डीएमके महासचिव शशिकला नटराजन को नोटिस जारी किया। 28 फरवरी तक जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा। ई पलनीसामी के समर्थन में स्कूल छात्र गोल्डन बे रिसोर्ट के बाहर जमा हुए। फ्लोर टेस्ट में पलनीसामी के बहुमत के लिए प्रार्थना की है। बुंदेलखंड में आज अखिलेश और मायावती की कई रैलियां होनी है। जालौन, महोबा, चित्रकूट में अखिलेश उपलब्धियां गिनाएंगे तो झांसी बांदा में मायावती वोट मांगेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने गोरखपुर में डेरा डाल दिया। पांचवें और छठे चरण के चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन हुआ। अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजनाथ सिंह का दावा, यूपी में बीजेपी को 45% से ज्यादा वोट मिलेंगे। जी न्यूज से बातचीत में डर को बताया कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की वजह। कन्नौज में राजनाथ सिंह ने कहा, मुलायम ने अपनी साइकिल खुद ही पंचर कर ली, साइकिल भी अब जय श्री राम चिल्ला रही है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के दो मंत्री बशारत बुखारी और इमरान रजा अंसारी ने इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट में फेरबदल के बाद फैसला लिया। पाकिस्तान में दरगाह विस्फोट के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 100 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 76 आतंकवादियों की एक लिस्ट सौंपी है। अफगानिस्तान से लगी सीमा भी एहतियातन सील की गई। मसूद अजहर पर बैन के लिए चीन ने मांगा भारत से ठोस सबूत। 22 फरवरी को बीजिंग में चीन के साथ होने वाली है रणनीतिक वार्ता। सरकार चलाने में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मार्क जुकरबर्ग ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम के बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखी। आज नौसेना में शामिल किया जाएगा समुद्री नौका तारिणी। गोवा में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे का बयान सार्वजनिक होगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने इसे लेकर आदेश दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज शाम दिल्ली की तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। सीवान से पटना के बेउर जेल लाया गया। ललितपुर की रैली में उमा भारती का 300 सीटें जीतने का दावा। कहा, अखिलेश और राहुल गांधी के नाम में मुलायम ने छेद कर दिया। प्रियंका वाड्रा सिर्फ रायबरेली और अमेठी में ही चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद का बयान। यूपी के बाराबंकी में अखिलेश यादव ने बेनी प्रसाद पर हमला बोला। कहा, इन लोगों ने मेरे घर में पिता से मेरा झगड़ा करा दिया। इलाहाबाद में चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंचे आजम खान ने कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। मंच पर धक्का मुक्की से नाराज हुए आजम खान। यूपी के फतेहपुर में मायावती की चुनावी रैली। कहा, मुलायम सिंह ने बेटे के लिए भाई को छोड़ दिया। यूपी गुंडों का प्रदेश बना। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी के लिए अनुप्रिया पटेल ने प्रचार किया। कहा, अखिलेश सरकार ने जनता को धोखा दिया है। लालू यादव ने पीएम मोदी पर वोट के लिए किसी भी राज्य से कुछ भी रिश्ता जोड़ने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने हद में रहने की नसीहत दी। वेंकैया नायडू ने कहा, सामना पर पाबंदी लगाने का कोई विचार नहीं। बीजेपी ने 3 दिनों के लिए प्रकाशन बंद करने की मांग की थी। हुबली और धारवाड़ में 20 फरवरी को प्रदर्शन बीजेपी करने वाली है। रेसलर संतोष होसमाली की मौत मामले में न्यायिक जांच की मांग करें। मुंबई के डब्बे वालों ने चर्च गेट स्टेशन के पास मार्च निकाला। वोटर्स से 21 फरवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव में वोट डालने की अपील की है। जेएनयू के एडमिन ब्लॉक में धरना दे रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। दिल्ली के महिपालपुर में ऑनलाइन रिटेल कंपनी के सामानों से भरा हुआ ट्रक अगवा करने वाले बदमाश पकड़े गए। बदमाशों ने नोएडा में सामान उतारा था। दो शातिर चेन स्नैचर को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास लोगों को शिकार बनाता था। गुरुग्राम में फर्जी दस्तावेज बनाकर ओएलएक्स पर महंगी गाड़ियां बेचने वाला ठग गिरफ्तार हुआ। प्रेमिका पर अपनी कमाई लुटाता था। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई। हथियार के बल पर करीब 7 लाख लेकर भागे बाइक सवार 4 बदमाश। हरियाणा के पानीपत में हथियार के बल पर लोगों ने गाड़ी छीनने वाले गैंग का मुखिया गिरफ्तार किया। जयपुर पूछताछ के बाद 3 गाड़ियां भी बरामद। मोहाली के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर रेड। मोटी रकम वसूल कर छात्रों को बीएएमएस की जाली डिग्री देने का आरोप। लुधियाना के सिविल सिटी के काली मंदिर में चोरी। चांदी और पीतल के मुकुट गहने लेकर फरार हुए चोर। कानपुर में वैलेंटाइंस डे के दिन प्रेमी जोड़े ने सुइसाइड कर लिया। शादी के लिए घर वालों ने इजाजत नहीं दी थी, इसी को लेकर नाराज थे। दिल्ली से ग्वालियर आकर चोरी और लूट की वारदात करने वाली मां बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। महिला से चेन छीनने के बाद गिरफ्त में आई।
ग्वालियर में 3 महीने से लापता विशाल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मां और बीवी के झगड़े से तंग आकर घर छोड़ दिया था। राजस्थान के अनूपगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज। आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर एक युवक को बुरी तरह से पीटा था। बुरी अंदाज को लेकर रायपुर पहुंची पुलिस। 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड में। माता पिता गर्लफ्रेंड की हत्या कर दफनाने का। पंजाब के फरीदकोट में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर मिड डे मील का सामान चोरी कर बेचने का आरोप। प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज। स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की निगरानी एनडीएमसी करेगी। कल दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ चूहा मिला था। आशा किरण होम का कामकाज एक्सपर्ट पैनल के हवाले। दिल्ली सरकार कर सकती है 2 महीने के भीतर। आशा किरण में 11 मंदबुद्धि लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 2005 के सीरियल ब्लास्ट केस में अदालत के फैसले पर स्पेशल सेल के डीसीपी ने चुप्पी तोड़ दी। कहा अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्रवाई को चोरी छिपे शूट कर अपलोड करने के मामले में यूट्यूब को वीडियो डिलीट करने का आदेश। गूगल को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके की एक इमारत में आग लग गई। एक की मौत। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू किया। रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। 200 फीट गहरी खाई में गिरे बाइक सवार 2 लोग अस्पताल में इलाज जारी। गाजियाबाद के भोजपुर में भीड़ ने व्यक्ति को अपमानजनक सजा दी। पीड़ित पर शराब पीकर दूसरे के घर में झांकने का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में बस और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हुई। 2 दर्जन से ज्यादा घायल हुए। NH8 पर हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अस्पताल की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत। इलाज के लिए मौजूद नहीं थे डॉक्टर। घर वालों का प्रदर्शन। यूपी के अमेठी में RRSIMT कॉलेज के हॉस्टल में छात्र का शव मिलने के बाद हंगामा। गुस्साए छात्रों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ कर दी। मुंबई में बदलेंगे लोकल ट्रेनों के किराए। कम दूरी के किराए बढ़ाने, लंबी दूरी के किराए घटाने का प्रस्ताव। हिमाचल सरकार की बैठक में रामदेव की पतंजलि योगपीठ को साधुपुल की जमीन देने के फैसले पर मुहर नहीं लगी। रामदेव से केस वापस लेने की। जाट आरक्षण मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा तय सीमा से ज्यादा जाटों को आरक्षण। 21 फरवरी को सरकार अपना पक्ष रखेगी। देश के कई अस्पतालों में स्टेंट की भारी किल्लत है। स्टेंट कीमतों पर सरकार ने लगाम लगा दी। सप्लायर ने अस्पताल से हटाए स्टेंट के स्टॉक। लश्कर आतंकियों का नया वीडियो सामने आया। तस्वीर में अनंतनाग में लश्कर कमांडर बशीर दूसरे आतंकियों के साथ खाना बनाता नजर आया। श्रीनगर में नमाज के बाद सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पाकिस्तान ISIS के झंडे भी नजर आए। किरण रिजिजू ने दिल्ली के एम्स जाकर CRPF के कमांडेंट चेतन चीता की तबीयत की जानकारी ली। बांदीपुरा में आतंकी हमले में घायल हुए थे। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप में किसानों ने सड़कों पर जाम किया। किसानों और पंचायत के बीच जमीन को लेकर विवाद था। यूपी के अमरोहा में गन्ने के खेत में तेंदुए के बच्चे मिलने के बाद लोगों में दहशत। मादा तेंदुए की तलाश कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया। लखनऊ में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए बस ड्राइवर की मौत पर हंगामा। सरकार ने 10 लाख के मुआवजे नौकरी देने का ऐलान किया है। त्रिपुरा में बजट सेशन के पहले दिन कांग्रेस तृणमूल ने हंगामा कर दिया। बजट भाषण पूरा नहीं पढ़ने पर गवर्नर के खिलाफ विपक्ष ने नारे लगाए। बजट स्पीच के कुछ हिस्से में केंद्र सरकार की आलोचना की गई। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की गई। 3 से 14 दिनों का यह कोर्स स्कूली छात्रों की भरमार। मध्य प्रदेश के भिंड में शहीद जितेंद्र चतुर्वेदी के अंतिम संस्कार के दौरान लापरवाही हुई। अंतिम संस्कार से पहले सलामी के वक्त गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। जयपुर की सड़कों पर ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस कैमरे हटाए गए। रेड लाइट जंप करने पर नंबर प्लेट की तस्वीर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच जाएगी। राजस्थान में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर बैठक बेनतीजा रही। ऊर्जा राज्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बढ़ी हुई दरों का किसान विरोध कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर 4 लड़के दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर चढ़ाएंगे गंगा जल। हरिद्वार से 51 लीटर गंगा जल लेकर दिल्ली जा रहे हैं कांवड़िए। पुणे की यरवदा जेल में 4000 कैदियों के बीच गूंजी तबले की थाप। कैदी सुधार कार्यक्रम में शामिल हुए उस्ताद जाकिर हुसैन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नगर पालिका के शौचालय में चलाई जा रही दुकान। दुकानदार को फूलों की माला पहनाकर दुकान हटाने की नसीहत दी गई। चंडीगढ़ में शुरू हुआ 45th रोज फेस्टिवल। 800 से ज्यादा अलग अलग किस्मों के गुलाबों की प्रदर्शनी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन के स्कूल में शिविर का उद्घाटन किया। स्वामी रामदेव मौजूद।
राजस्थान के उदयपुर में आज होगी जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक। जीएसटी से जुड़े 4 अहम बिलों के ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद। कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती बढ़ी, अब 10,000 से ज्यादा कैश लेन देन पर टैक्स देना होगा। नोटबंदी पर बोले वित्त मंत्री, सवाल उठाना आसान लेकिन लागू करना मुश्किल था, सिस्टम में नोट सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं। टर्की के वीरान शहर में जबरदस्त कार बम धमाका हुआ, 3 साल के एक बच्चे की मौत, 17 घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश बर्फबारी के बाद हालात बदतर हुए, 200 लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट इलाके में सूखे से बेहाल 4 लाख लोग, फसलें बर्बाद हुई, जानवरों तक के लिए चारा नहीं है। मोजाम्बिक में आंधी तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत हुई, 160 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आई, 20,000 घर तबाह। चीन के जिजियांग में रेतीले तूफान की वजह से ट्रैफिक और विजिबिलिटी पर असर पड़ा, मास्क पहनने के लिए मजबूर हैं लोग। अमेरिका में बोइंग प्लांट गए डोनाल्ड ट्रंप, नए ड्रीमलाइनर जेट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, कॉकपिट में पायलट सीट पर भी ट्रंप बैठे। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में सड़क पर लोग उतरे, 30 राज्यों में 100 जगह पर प्रदर्शन। बेलारूस में सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, साल में 183 दिन से कम काम करने वालों को टैक्स देने के कानून का विरोध। सीरिया के होम्स में बमबारी का वीडियो आया सामने, तस्वीरों में इधर उधर भागते नजर आए लोग, अफरा तफरी का माहौल। आईएसआईएस के आतंकी का 200 से ज्यादा महिलाओं से रेप का दावा, इराक के मोसुल में सेना की कैद में आतंकी रखा गया। अमेरिका के टेक्सास में रेस्टोरेंट के पास ट्रक में आग लग गई, जलते ट्रक को कार से धक्का देकर पुलिसकर्मी ने लोगों की जान बचाई। थाईलैंड में अमेरिकी सेना की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जंगल में सांपों के बीच ट्रेनिंग ले रहे हैं कमांडोस। अमेरिका में ब्रुकलिन के कैफे में एक कप कॉफी की कीमत करीब 1200 रुपए है, इसे इथोपिया में मिलने वाली कॉफी बीन से बनाया जाता है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। रूस में सेंट पीटरबर्ग के पीटर हॉफ पार्क में हजारों प्रवासी बच्चों ने डेरा जमा लिया, देखने के लिए लोग पहुंचे। मुंबई के 5-स्टार होटल में अभिनेता नील नितिन मुकेश की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। जोधपुर में बीएसएफ कैंप में फिल्म कमांडो 2 का प्रमोशन किया गया, कलाकारों ने जवानों के साथ वक्त बिताया। राजीव और सोनिया गांधी की लव स्टोरी पर इजाजत नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनेगी, यूट्यूब पर इंग्लिश और इटालियन भाषा में रिलीज होगी। शाहरुख ने खोले दिल के राज, कहा काफी दुख होता है जब उनके और सलमान के बारे में कुछ भी गलत छपता है। फिल्म रईस और काबिल की बॉक्स ऑफिस टक्कर के चलते ऋतिक और फरहान के बीच झगड़ा हुआ, रईस के को प्रोड्यूसर हैं फरहान। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की मेकिंग आउट हुई, काफी मस्ती करते नजर आए वरुण और आलिया, 10 मार्च को फिल्म रिलीज होगी। रणधीर कपूर के 70th बर्थडे के मौके पर अपने बॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल के साथ करिश्मा कपूर दिखी, लंबे वक्त से डेट कर रही है। शिल्पा शेट्टी ने अपनी नई फिटनेस वेबसाइट द शिल्पा शेट्टी .com लॉन्च की, टाइगर श्रॉफ की सपोर्ट करने के लिए पहुंची। प्रियंका चोपड़ा का बड़ा खुलासा, कहा जल्द ही वो हॉलीवुड की कुछ और फिल्में भी साइन कर सकती हैं।